लो कि हर बंदे को अच्छा लगता है कि जिम करे, वो अपना फिटनेस पे ध्यान दे, थोड़ा बॉडी शॉडी बनाए। बहुत हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरबाज फिटनेस। में आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, करते हैं आज के व्लॉग स्टार्ट। तो यार, आज के व्लॉग में आए हमारे भाई आए हैं हमारे साथ, फर्स्ट डे है इनका जिम में, तो आपसे मिलवाते हैं। इनका नाम है प्रिंस भाई। तो अभी कर रहे हैं मामा। प्रिंस भाई, बताओ आपको कैसी लगी हमारी जिम ये वो? तो भाई, जिम जैसे क्या होता है, हर बंदे का एक ड्रीम मान के चलो कि हर बंदे को अच्छा लगता है कि जिम करे, वो अपना फिटनेस पे ध्यान दे, थोड़ा बॉडी शॉडी बनाए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा फर्स्ट डे है जिम में और अभी थोड़ा वार्म अप वगैरह किया है। दिखाएंगे आपको बाद में कि वार्म अप कैसे करेंगे हम, फिर से करेंगे करके ऐसा। ये देखिए, आप दुर्लभ तस्वीर आप देख रहे हैं। आयो जस्ट दो ही मिनट हुए, तो आप पहले ही अपने मतलब बाइसेप वगैरह दिखा रहे हो कि हाँ? नहीं, मैं तो जिम देख के ही मेरे मसल्स पंप हो गए हैं पूरे, देखा जाए तो। अभी तो मतलब इतना एनर्जेटिक लग रहा हूँ जैसे कि मैं पहले से जिम कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा फर्स्ट डे है जिम में। तो चलो फिर करो आप वार्म अप पहले, उसके बाद आपको करवाएंगे वर्कआउट। तो आज मेरा वर्कआउट शोल्डर का है, देखते हैं वो भी वीडियो डाल रहा हूँ या नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि इनका काफ़ी इनको वर्कआउट करवाना पड़ेगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एक या दो एक्सरसाइज में डाल दूंगा शोल्डर वर्कआउट की, बाकी भाई को आज करवाएंगे वर्कआउट। वार्म अप करते टाइम ही काफ़ी मतलब 10 मिनट वार्म अप किया अच्छे से, तो उधर ही थक गए हैं। तो अब देखते हैं वर्कआउट कैसा जाएगा इनका। वाइस करते हैं इनका वर्कआउट साहब, भाई साहब का सेंटर पहले बहुत बहुत है, डंबल लगाने पहले देख ले। ढाई का डंबल अभी लगाओ, वैसे जैसे होता है अभी। नेक्स्ट आपको बताएंगे शर्मा भाई, ये जो है ना ये ऊपर लगा लेना, केवल पूरे निकाल लो। अभी बैक में हम क्या नाम प्रिंस भाई को बताएंगे लेट पुल डाउन। वेट रखते हैं कितना कितना वेट उठा सकते हो, 20 या 25? 10 रखते हैं। नहीं, चलो नहीं, नहीं। चलो ये चेस्ट लेवल पे, थोड़ा हल्के आराम से नीचे जाओ, आराम से। हाँ, ऊपर जाते हो आगे जाना, थोड़ा आगे जाना आपको, पीछे थोड़ा आराम से, आराम से। हाँ, आपको अभी इसके 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन जानी चाहिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट डे आ जाएंगे। आपके हो गए 2 सेट, ठीक है। अभी आप लगाओ शोल्डर के डंबल प्रेस लगाना है, आप करके बताता हूँ, उसके बाद देखना तो लगाना। आप सामने आ जाओ, आप अच्छे से देख लो जहाँ तक आना है इसको, ठीक है। टच करना ऊपर जाए, नहीं अभी लगाएंगे ये बेंच प्रेस, लेकिन पहले पोजीशन तो शर्मा भाई इनको बता दो थोड़ी क्या करना कहाँ से, क्योंकि इनकी हाइट के हिसाब से, क्योंकि भाई की हाइट अच्छी है, अच्छी है, आपकी तरह है, अच्छी है। पोजीशन बता दो इनको, क्योंकि अभी तो वेट तो वैसे भी हरा, ये देखना आंखों के बराबर होना चाहिए, इसके बाद दोनों साइड से बराबर पकड़ना इसको,
ये जो मिडिल फिंगर है ना यहाँ, मिडिल फिंगर यहाँ, अपने हाइट के हिसाब से इसकी बाजू छोटी है ये आराम से आराम से आराम से थोड़ा थोड़ा आगे हो, थोड़ा आगे लो आगे बराबर है बैलेंस इधर यहाँ यहाँ पे सेंटर में उठाओ 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 तेरी मेहनत लगी है कम से कम 10 से 12 निकालो आराम से बैलेंस बराबर बैलेंस एक ही हाँ आने नीचे हो गया थोड़ा ज़्यादा वेट नहीं है चलेगा 20-40 चलो बराबर पोजीशन एक नंबर है ऊपर जाते हैं ना पूरा नहीं खोलना जाने दो ऊपर जाने दो बस बस इतना ही हाँ 10 से 12 नहीं नहीं ऊपर से पकड़ो पहले पोजीशन तो बता नहीं ऐसे ऐसे पकड़ना ऐसे ऐसे तीसरा हाँ और इनको क्रॉस कर अपनी जगह पे एक जगह पे ऊपर ध्यान दें ऊपर पूरा थोड़ा और अंदर कर थोड़ा बाजू को तो हाँ चल ले ले सीख जाएगा कोई बात नहीं वैसे भी आपने सुना आप फॉरेन जा रहे हो तो उधर तो 24 घंटे जिम में ही रहेंगे कोई दिक्कत नहीं उधर तो जब मिलोगे यार पता नहीं कितने बड़े बॉडी बिल्डर बन के आओगे चलो आज का दिन बस याद रखना है क्यों शायद कोई पता नहीं जाके भूल जाएंगे यार बनेगी आराम से लो आराम से तीन से चार से मतलब तीन चार एक्सरसाइज कर ली चेस्ट की एक बैक की बाइसेप और शोल्डर तो अभी एक लेग का लगवा देते हैं लेग प्रेस चलेगा भाई चलेगा शौक है आपको पहले लेग का वर्कआउट अच्छे से करना था चलो करवाते हैं आज आपको एक सेट एक एक्सरसाइज लेग प्रेस मशीन पे ले लो आप गाइस तो वर्कआउट अपना हो गया क्लियर भाई का तो पहले ही हो गया था उसके बाद मैंने शोल्डर का वर्कआउट किया उसके बाद थोड़े मतलब तीन चार एप्स के सेट किए तो अपना गोप्रो भी होने वाला है डेड तो अभी चलो भाई से पूछते हैं कि भाई का वर्कआउट कैसा रहा और उसके बाद जब हम वर्कआउट कर रहे थे तो उस टाइम भी भाई मतलब बोल रहे थे मैं भी ये एक्सरसाइज करूँगा वो भी मतलब उसके बाद चार पाँच एक्स्ट्रा सेट लगाए इन्होंने तो भाई बताओ कैसा रहा आपका फर्स्ट डे जिम में क्या हो अच्छा रहा अरबाज भाई बहुत बढ़िया फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा
मैं तो सोचता हूँ कि अब से मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि रात को नींद आनी चाहिए। रात को नींद आनी चाहिए सुबह, क्योंकि मुझे सुबह तो छोड़ो, सुबह जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सर कोई आपको क्या लग रहा है, इनको रात को नींद आएगी? आज तो आएगी जरूर, जाते ही पड़ जाएगा। डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि फर्स्ट डे जिम को, वो तो दर्द तो हो गई बॉडी में। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताना कि भाई का जो वर्कआउट मतलब फर्स्ट डे रहा कैसा रहा। तो जो भी यार गाइस नए मतलब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।